नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर विवेक और इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं दो होम रेमेडीज, जिसमें से एक है खाने के लिए, दूसरी है बालों में लगाने के लिए। दोनों होम रेमेडीज बहुत इफेक्टिव हैं, लेकिन दोनों को साथ में करना है, क्योंकि सिर्फ बाल पर स्प्रे करेंगे या कुछ बालों पर करेंगे इससे सोच रहे हैं कि आपके बाल झड़ने की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, तो ऐसा कभी नहीं होने वाला है, क्योंकि बाल उगते हैं अंदर से बाहर, बाहर से अंदर की ओर को नहीं उगते हैं। इसीलिए आपको अंदर अपनी हेल्थ को स्ट्रांग रखना है, सब बैलेंस रखना है, तभी इसका इफेक्ट आपके बालों पर भी दिखेगा। इसलिए दोनों चीज शेयर करूंगा, क्या खाना है और क्या लगाना है। और ये चीजें, अगर आपको डैंड्रफ की प्रॉब्लम है, अगर खुजली होती है सर में, बालों की अच्छी ग्रोथ नहीं हो रही है, इन सब प्रॉब्लम्स में हेल्प करेगी। अगर आप चाहते हैं बाल स्मूथ हो जाएं, इसमें भी ये होम रेमेडीज हेल्प करेंगी और आपके लिवर को डिटॉक्सिफाई करेंगी, आपकी स्किन को अच्छा करेंगी। अगर स्किन की प्रॉब्लम है, इसमें भी जो मैं कहूँगा खाने के लिए, वो चीज़ आपको बहुत हेल्प करने वाली है। तो इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं क्या खाना है हमने, मतलब जो हर्बल होम रेमेडी है। इसके लिए तीन चूर्ण कहूँगा, तीन पाउडर्स के नाम बताऊँगा, वो इजिली अवेलेबल है, एक थोड़ा इजिली अवेलेबल नहीं है, उसका मैं कोशिश करूँगा लिंक नीचे डालने का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से आप देख सकते हैं, बाकी आपको आसपास ही मिल जाएगा आपके घर के। सबसे पहले हमने लेना है हल्दी, दूसरा हमने लेना है आंवला चूर्ण यानी आंवला पाउडर, तीसरा हमने लेना है भूमि आमलकी। आंवला और टर्मरिक आपको यानी कि हल्दी बहुत इजीली मिल जाएगा, भूमि आमलकी हो सकता है इजीली अवेलेबल ना हो। अब इसको कैसे हमने लेना है, सबको 1:1 के रेशियो में, यानी कि अगर आपने 50 ग्राम हल्दी ली है तो 50 ग्राम ही आप भूमि आमले की लीजिए और 50 ग्राम ही आप आंवला चूर्ण लीजिए। तीनों को एक बराबर लेके आप एक किसी चीज़ में मिक्स कर लीजिए और मिक्स करके आपका ये पाउडर रेडी है। इस पाउडर को आपको लेना है एक चम्मच सुबह, एक चम्मच शाम। कोशिश करिए खाली पेट, गुनगुने पानी के साथ आप इसको पी सकते हैं, पानी में घोलकर आप इसको पी सकते हैं। अच्छा नहीं लगता है, टेस्ट में अच्छा नहीं है, तो शहद या मिश्री के साथ भी ले सकते हैं। देखिए, ये ना चॉकलेट है, ना ये कोई टॉफ़ी है, ना ये लड्डू, बता रहा हूँ आपको, बता रहा हूँ दवाई जो आपकी ये प्रॉब्लम में हेल्प करेगी। तो ये टेस्टी नहीं होने वाली है, लेकिन इफेक्टिव बहुत होगी। अगर आपको स्किन की ज़्यादा प्रॉब्लम है या इचिंग ज़्यादा है, तो आप इसमें नीम पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। नीम पाउडर भी, जितना सारे पाउडर लिए हैं उतना ही बराबर नीम पाउडर भी लेना है। चाहे तो आप 20-20-20 ग्राम चारों ले सकते हैं, तो आपका 80 ग्राम का वैसी पाउडर हो जाएगा। तो इसको आप अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए और आपका मिक्सचर रेडी है। आंवला एंटीऑक्सीडेंट है, आपकी स्किन को अच्छा करेगा, कहने की जरूरत नहीं कितने इफेक्ट हैं आंवला के। विटामिन सी भरपूर है इसके अंदर। भूमि आंवले की मैं क्यों कह रहा हूँ डालने के लिए, क्योंकि भूमि आंवले की मेरे हिसाब से बेस्ट हर्ब है आपके लिवर के लिए, आपकी किडनी के लिए। इसका और नाम है पत्थर चूर, हिंदी में कहते हैं इसको पत्थर चूर, यानी जो पत्थर को भी चूरा कर दे, यानी आपकी बॉडी में कहीं पर स्टोन है तो उसको भी चूरा कर देगा, ऐसा ये हर्ब है। है क्या कहने का मतलब, कि ये कैल्शियम को आपकी बॉडी से, जो एक्स्ट्रा कैल्शियम है जो डिपॉजिट हो जाता है आपकी किडनी में एज एन स्टोन, या फिर आर्टरीज में भी हो जाता है, या आपकी आर्टरीज को स्ट्रॉन्ग कर देता है, उससे आपका ब्लड प्रेशर भी बढ़ सकता है, इसमें भी हेल्प करता है एक्स्ट्रा कैल्शियम को आपकी बॉडी से बाहर निकालने के लिए। तो बहुत अच्छी हर्ब है भूमि आमलकी। नीम, कोई भी स्किन प्रॉब्लम है, इचिंग है, कोई भी हेयर प्रॉब्लम है, बहुत ही बढ़िया हर्ब है। एंटी बैक्टीरियल, एंटी वायरल, एंटी फंगल, स्किन की तो कोई बीमारी ऐसी होगी नहीं जिसमें मैं नीम का इस्तेमाल खूब ना करता हूँ, स्किन के लिए तो मैं बस फैन हूँ नीम का। टर्मरिक, हल्दी क्यों हम अपने खाने में खाते हैं, क्योंकि एंटी बैक्टीरियल, एंटी फंगल, एंटी इन्फेक्शस इफेक्ट है, इन्फ्लामेशन को हमारे अंदर से हेल्प करता है, ब्लड प्यूरिफिकेशन का काम करता है, बहुत इफेक्ट हैं हल्दी के, इसलिए हर घर में मिल जाती है, यही हल्दी हमने इसमें इस्तेमाल करनी है। तो बहुत ही डेडली, बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन है, बता दिया है कैसे खाना है, कितना लंबा टाइम तक खा सकते हैं, 2 महीने तक मैक्सिमम खाइए, उसके बाद बंद कर दीजिए, 2 महीने में सही हो जाएंगे वैसे ही। अब बात करते हैं होम रेमेडी की हेयर के लिए, करना क्या है। 3 चम्मच हमने पुराना चावल ले लेना है। पुराना चावल क्यों, क्योंकि ना स्मेल आएगी, ना इतना स्टिकी चिपचिपा होगा हमारे सर पर। 3 चम्मच हमने चावल ले लिया, उस चावल में को हमने एक बाउल में डाला, एक बर्तन में डाला, उस बर्तन में हमने डाले 2 ग्रीन टी के जो बैग्स आते हैं वो हमने इसमें डाल दिए हैं, और इसमें हम डालेंगे 2 ग्लास खौलता हुआ गर्म पानी, यानी 400 मिलीलीटर गर्म पानी इसमें हम डाल देंगे, और इसको हम रख देंगे 15 मिनट तक। 15 मिनट रखने के बाद हम इसमें से जो ये 2 बैग हैं ग्रीन टी के, इसको हम निकाल देंगे, और इस पानी को अब हम उबालने वाले हैं और ढक्कन बंद करके, क्यों, ताकि हम चाहते हैं जो इसके अंदर जो राइस है वो पक जाए।
15 मिनट के अंदर अंदर आपका ये राइस पक जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, गैस बंद कर देनी है, इसको रूम टेम्परेचर पर रखना है। रूम टेम्परेचर पर जब ये आ जाए, डाउन हो जाए इसका टेम्परेचर, खोलता हुआ था जब नॉर्मल हो गया, तब इसमें से हमने पानी को छान के एक बॉटल में रख लेना है और इसको हमने अपने सर पर स्प्रे करना है। सर पर स्प्रे कहाँ पर करना है, जड़ों में अच्छी तरह से स्प्रे करिए, अच्छी तरह से मसाज करिए, सुबह कर लीजिए और दिन भर कोई स्मेल ज़्यादा नहीं होने वाली है, ज़्यादा परेशानी नहीं होने वाली है। शाम को अच्छी तरह से सिर की मसाज करिए तेल से, तेल से अच्छी तरह से मसाज करने के बाद कुछ देर और छोड़ने के बाद आप अपना सर धो लीजिए। शाम को सुबह स्प्रे किया, शाम को तेल लगाया और थोड़ी देर बाद धो लिए बाल, इतना कर लीजिए और आप देखिए एक यूज से आपको लगेगा बहुत ज़्यादा स्मूथ हो गए हैं बाल। बहुत ही बढ़िया होम रेमेडी है, जरूर ट्राई करिएगा इसे, अंदर से भी बाहर से भी बहुत हेल्प करने वाली है। ये जो हमने पानी बनाया है इसको आप 3 से 4 दिन मैक्सिमम इस्तेमाल करिए, आप इसको फ्रिज में ही रखिए और इस्तेमाल करने से पहले आप बाहर निकाल लेना, ये नहीं कि ठंडा ठंडा स्प्रे कर रहे हैं फिर बीमार हो जाएंगे, कहेंगे डॉक्टर ने बताया नहीं, इसलिए बता दे रहा हूँ कि यूज़ करना है कि हमें ठंडा ना लगे, लेकिन आपको स्टोर करना है इसको फ्रिज के अंदर ताकि ख़राब ना हो। अगर डेली बना सकते हैं तो बेस्ट है। कितने ऑफन यूज़ करना है, जितनी बार आप अपने बाल धोना चाहें, आप हफ्ते में 3 बार अपने बाल धोते हैं तो 3 बार इसका इस्तेमाल करिए। कितना लंबा इस्तेमाल कर सकते हैं जी, पूरी लाइफ भी इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि ख़राब चीज़ हमने कोई इसमें यूज़ की नहीं है। इसको लगाने के बाद और ऑयल आपने लगा लिया, उसके बाद आप किसी माइल्ड शैम्पू से आप अपने बाल धो लीजिए। आशा करता हूँ सारी जानकारी मैंने आपको दे दी है, इफ़ेक्टिव होने वाला है, ट्राई ज़रूर करिएगा। जितना कम केमिकल्स यूज़ करेंगे उतना अच्छा है, अंदर से बालों को ट्रीट करेंगे तो बहुत अच्छा है। तो इस वीडियो में मैंने आपको दोनों एस्पेक्ट्स बता दिए हैं, आशा करता हूँ ये जानकारी आपके लिए लाभदायक रहेगी। आप वैसे ही बहुत खूबसूरत हैं, आपके बाल बहुत खूबसूरत हैं, ये थोड़ी थोड़ी चीज़ें कर लेंगे तो बाल और आप और ज़्यादा खूबसूरत हो जाएंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में एक बड़ी मुस्कुराहट के साथ, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।